बागेश्वर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीते दिन से लगातार बारिश भी हो रही है, इसके बावजूद भी मतदान केंद्रों में भारी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। बागेश्वर विधानसभा सीट में 1,18,000 से मतदान केंद्र मतदाता मतदान करने वाले हैं और यहां पर 188 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बागेश्वर उपचुनाव में 5 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर की जनता से पहले मतदान फिर जलपान करने की अपील की। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का सदुपयोग करें और बागेश्वर की विकास यात्रा को अविराम जारी रखने में अपना अमूल्य योगदान दें। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।